नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान और आप देख रहे हैं वारदात। नए साल का जश्न और उसे मनाने का शौक किसे नहीं होता। बीते साल को अलविदा कहने के लिए कोई भीड़ जुटाता है तो कोई आने वाले साल का इस्तकबाल खामोशी से करता है। लेकिन नए साल का जश्न मनाने का जुनून अगर किसी को जुर्म करने पर आमादा कर दे तो उसे आप क्या कहेंगे? नए साल का मौका, ये लम्हा यूं तो खुद को हर साल दोहराता है, मगर इसे मनाने का जुनून लोगों पर हर साल उतनी ही शिद्दत से सवार होता है। फिर बात चाहे हिंदुस्तान की हो या फिर दुनिया के दूसरे मुल्कों की, साल की इस आखिरी रात में कुछ खास और अनोखा करने की ख्वाहिश में लोग सभी हदों को पार कर बैठते हैं। मगर क्या आप यकीन करेंगे कि नए साल के जश्न को रंगीन बनाने की कोशिश किसी के हाथों जुर्म भी करवा सकती है? इससे मिलिए। नाम पवन वर्मा, उम्र 22 साल, दिल्ली का रहने वाला पवन नए साल का जश्न मनाने के चक्कर में एक ऐसा जुर्म कर बैठा जिसके बारे में इससे पहले कभी किसी ने सोचा नहीं था। पवन का इरादा था नए साल के जश्न को अपने अंदाज में मनाने का, और इसके लिए उसने जगह चुनी हांगकांग के पास बसा दुनिया का सबसे रंगीन शहर मकाओ। पवन अपनी गर्लफ्रेंड से वादा कर चुका था कि साल की आखिरी रात वो उसके लिए इस कदर यादगार बना देगा कि वो उसे उम्र भर भुला नहीं पाएगी। मगर नए साल की इस महफिल और पवन के बीच एक बहुत बड़ी दिक्कत थी, और वो थी पैसा। अय्याशी का आदि हो चुका पवन अपनी गर्लफ्रेंड्स के शौक के चलते पहले ही कर्ज में बुरी तरह से डूबा हुआ था। ऐसे में महीने के आखिर में मकाओ तक पहुंचने और रहने का खर्च वो कैसे उठा पाता? लिहाजा नए साल के खुमार में पवन ने रची एक ऐसी साजिश जिसके बूते वो 31 दिसंबर की रात मकाओ में नए साल का जश्न मनाता जबकि उसका अपना घर मातम में डूबा होता।